नमस्कार, आप देख रहे हैं BDF न्यूज। हरियाणा के रोहतक के विजयनगर में 27 अगस्त को एक घर में चार हत्या हुई और आरोप लगा उस घर के बेटे पर कि उसी ने अपने माँ बाप, बहन और नानी की गोली मारकर हत्या कर दी। फिलहाल आरोपी, जिसका नाम अभिषेक है, उसे अभी रोहतक के सोनारिया जेल में न्यायिक हिरासत में रखा गया। जैसे ही इस चौहरे मर्डर की खबर आई, पूरे देश में इसी बात पर चर्चा होने लगी कि कोई अपने ही माँ बाप को मार कैसे सकता है। पुलिस ने आरोपी अभिषेक उर्फ मोनू को गिरफ्तार किया। उसके बाद आरोपी मोनू को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग सोशल मीडिया पर की जाने लगी, और होना भी यही चाहिए क्योंकि ये कोई छोटी मोटी वारदात नहीं थी बल्कि एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या का मामला था। लेकिन जिस आरोपी को इतनी बड़ी वारदात के बाद जेल में डाला गया, अब वो जेल में फूट फूट कर रो रहा है। अपने वकीलों से कह रहा है कि मैं निर्दोष हूं, मुझे इस मामले में जबरदस्ती फंसाया गया। मोनू के इस बयान के बाद अब सोशल मीडिया पर नई तरह की जंग छिड़ चुकी है, और वो ये है कि इस मामले की जांच CBI से कराने की, क्योंकि सोशल मीडिया पर अभी भी ऐसे ढेर सारे कमेंट आ रहे हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि इस केस में जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं और इस मामले की अच्छे से जांच होनी चाहिए। अब सवाल उठ रहा है कि जिस आरोपी को लेकर लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, अब उससे लोगों को अचानक इतनी हमदर्दी क्यों होने लगी? तो इसके पीछे है लोगों का पुलिस से जिस तरह से विश्वास बहुत ज्यादा कम हो गया, उसे देखकर ऐसा किया जा रहा है, ऐसा हो सकता है। और तभी लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि इस मामले में मोनू को फंसाया गया हो, क्योंकि कई बार देखने को मिला है कि कई मामलों में जो आरोपी होता है उसे बाद में तमाम जांच के बाद बेगुनाह साबित कर दिया जाता है। अगर हम ऐसे कई केसों की बात करें तो ऐसे कई सारे केस देश में हुए हैं जिनमें कई साल की सजा काटने के बाद मालूम चला है आरोपी निर्दोष था। तो ऐसे में जिस तरह से हरियाणा पुलिस ने बहुत ही कम समय में इस केस का खुलासा किया, अब लोग इस पूरे मामले की जांच करने की बात कर रहे हैं। आपको लखनऊ का केस याद होगा, लखनऊ के केस में पहले जिस तरह से थप्पड़ वाली लड़की को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की जा रही थी, और जैसे ही उस लड़की की सच्चाई सामने आई कि वो दिमागी रूप से थोड़ी सी डिस्टर्ब है, तो उसके बाद उस लड़की को दया की दृष्टि से देखा जाने लगा, उसके प्रति भी सबका नजरिया बदल गया था। लेकिन हरियाणा के रोहतक वाले मामले में अभी ऐसा नहीं है, अभी कोई भी सच्चाई निकलकर बाहर नहीं आई है सिवाय पुलिस के बयान के जिसमें उसे आरोपी बनाया गया है। सोशल मीडिया पर कमेंट के जरिए जिस तरह से लोग इस पूरे मामले की जांच की मांग कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि अभिषेक उर्फ मोनू को लेकर लोगों के प्रति अब दया दिखाई दे रही है। फिलहाल एक खबर ये भी आई थी कि आरोपी अभिषेक ने कहा है अपने वकीलों से कि वो निर्दोष है और उसे इस पूरे मामले में फंसाया जा रहा है। कई सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जब इसने अपने पूरे परिवार की हत्या की होगी तो गोली चलने की आवाज आसपास क्यों नहीं गई, या फिर पूरे परिवार की हत्या करने के बाद वो इतना नॉर्मल कैसे था, उसके शरीर पर किसी भी तरह के निशान क्यों नहीं थे। ऐसे ही कई सारे सवाल हैं जो आरोपी अभिषेक के फेवर में कहे जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उससे भी एक बात तो साफ होती है कि आरोपी अभिषेक ही फिलहाल प्राइम सस्पेक्ट है। कई सारे लोग तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जो अभिषेक का दोस्त है कार्तिक लटवाल, उसके खिलाफ पुलिस की नरमी देखने को क्यों मिल रही है, पुलिस अब तक उसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन का यही कहना है कि कार्तिक के खिलाफ भी जांच चल रही है, अगर वो इस मामले में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आपको क्या लगता है, क्या अभिषेक उर्फ मोनू, जिसके ऊपर अपने पूरे परिवार की हत्या करने का आरोप है, वो निर्दोष है? क्या जो लोग अब इस पूरे मामले में CBI की जांच कराने की बात कर रहे हैं वो होना चाहिए, या फिर पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की है उसके आधार पर अभिषेक को आरोपी बनाया गया है वो सच है? इस पूरे मामले में आपको क्या लगता है, आप अपने विचार जरूर बताइएगा, और इस केस से जुड़ा हुआ हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपका शुक्रिया। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए BDF न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।